हरे कृष्णा, मेरा नाम है प्रकाश कुमार बेहरा। मैं सीटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ 2021 बैच। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया, और मैं जब सेकेंड ईयर में आया तो मैं बेस में शिफ्ट हुआ। बेस मतलब इस्कॉन का एक हॉस्टल फैसिलिटी जैसा है, वहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं और उसके पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्पिरिचुअलिटी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैं बेस में आके रुका तो मैं सुबह जल्दी उठ पाया, और सुबह जल्दी उठने के बाद हम फ्रेश होते थे, उसके बाद हम हरे कृष्ण मंत्र की चैंटिंग कर रहे थे, उसके बाद मंगल आरती होता है और क्लासेस भी हो रहा था, स्पिरिचुअलिटी की क्लासेस होता था श्रीमद् भगवद गीता और भागवत के ऊपर। और बेस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत अच्छा क्लीनलीनेस मेंटेन रहता है, और बाकी स्टूडेंट के लोग में बहुत सारा कोऑपरेशन रहता है। और बेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छा खाने को मिल रहा था, जिसको प्रसाद बोलते थे। प्रसाद एक सात्विक खाद्य होता है जो हमारा शरीर और मन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बेस में हम कर रहे थे वो है हरे कृष्ण मंत्र की जपा कर रहे थे। ये हरे कृष्ण मंत्र हमारे मन को नियंत्रण करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, जैसे कि अर्जुन भगवद गीता में बताते थे, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म तस्य अहम निग्रह मन्ये वायुरिदम सुदुष्कर। अर्थात मन को नियंत्रण करना बहुत डिफिकल्ट है, अर्जुन ऐसे बोल रहे। तो यह हरे कृष्ण मंत्र जप करने के बाद आप देखेंगे अब खुद आपके मन कितना नियंत्रण रहता है, और मैंने भी अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखा हूँ। तो अभी भी मैं हरे कृष्ण मंत्र की जपा कर रहा हूँ, और आप भी इसको जपा कीजिए, और बेस में आके रुकिए, बेस का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। अरे कृष्णा, मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है और मैं इलेक्ट्रिकल फोर्थ ईयर में हूँ, और मेरा प्लेसमेंट अदानी ट्रांसमिशन में हो गया है, और मैं स्कॉनीथ हॉस्टल में सेकेंड ईयर में शिफ्ट किया था, और वहाँ शिफ्ट करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पूरा घर जैसा फीलिंग लगा। ऐसा लगा नहीं कि मतलब घर से दूर है, क्योंकि वहाँ बहुत सीनियर थे लोग और बहुत ही हेल्प करते थे हर चीज़ों में। और वहाँ सबसे अच्छा मुझे मॉर्निंग प्रोग्राम लगा था, मॉर्निंग प्रोग्राम सुबह 6 बजे उठ के आना और कीर्तन करना, चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता भी है। और वहाँ का प्रसाद बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे थे वहाँ, बहुत ही प्रसाद बहुत बढ़िया था। और इन सब के अलावा हमारा मतलब ईयरली 2-3 टूर होता था, जिसमें हम कभी मायापुर जाते थे, कभी जयपुर, कभी दिल्ली, कभी वृंदावन। तो ये एक फन पार्ट था बेस में रहने का। अगर मान लीजिए हम हॉस्टल में रहते तो सिर्फ प्लानिंग ही हो पाता, लेकिन यहाँ सबके साथ हम घूमने का मौका मिला, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा। और बेस में आने से पहले मेरा एक इच्छा था कि मतलब थोड़ा जो स्पिरिचुअल बुक हैं उनको पढ़ने की मेरी इच्छा था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिलता मिल पाता था, लेकिन बेस में रहने से मुझे टाइम मिला और एक्सपोजर मिला पढ़ने के लिए, जिससे मैं भगवद्गीता कंप्लीट कर पाया, और भी किताब जो है स्पिरिचुअल बुक वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ और होपफुली कंप्लीट कर लूँगा। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेस जैसा माहौल और कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा माहौल है, घर जैसा माहौल है, और सीनियर बहुत हेल्प करते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, मैं जय कृष्ण छोटरा। मेरा सद्भाग्य है कि मैं इस्कन के कांटेक्ट में आया, और उसी दौरान मेरे को मौका मिला कि मैं मायापुर चंद्रोदय धाम का दर्शन कर सकता हूँ। जब मैं वही मतलब मायापुर के ट्रिप के दौरान मेरे को ये मौका मिला था कि मैं जो इस्कन के छात्रावास हैं उन पे रह सकूँ, तो मैंने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक मतलब वो जो इस्कन के छात्रावास हैं वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो एक रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं, मतलब सुबह उठ
करते हैं, फिर नहा करके फिर उनका मंगल आरती होता है भगवान का, फिर उसके बाद वो लोग फिर ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। इसलिए टोटल रेगुलेटेड लाइफ, तो इसीलिए हर एक छात्र को यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन होता है, लाइफ फुली डिसिप्लिन के साथ चलता है और रेगुलेटेड भी होता है, और उसके साथ साथ हम टाइम मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं चैंटिंग भी करता था, जिसके कारण मेरा मन बहुत शांत रहता था और स्वभाव भी पूरा ठीक था। इसके मतलब चैंटिंग के वजह से मेरा मन में परिवर्तन आया, तो इसके कारण मैं बोलूँगा कि चैंटिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैंटिंग के कारण ही आपके हृदय में भक्ति बढ़ता है भगवान के प्रति। सो चैंटिंग करिए, भक्ति में विकास करिए और मन को शांत रखिए। थैंक यू। My name is Ronak Agrawal from Department of Instrumentation and Electronics, year 2017 to 2021. It was in 2017 when I got connected to ISKCON through one of its center at Jagamara near ITR College. Then it was in 2018 when I got shifted to their ISKCON Youth Hostel, that is BASE. And the day I got shifted, I was completely unaware of like how these people must be living, and like will I be able to cope up with them, will I be able to live a lifestyle that they are living. But then with time I got to know that the lifestyle which I was fearing of, will I be able to manage or not, it was the most blissful or disciplinary, or you may say kind of a very civilized lifestyle which the ISKCON Youth Hostel people offer. 3 times food, known as prasadam, which is regularly offered to Lord, very hygienic and mode of goodness, completely, you know, nutritious. And then there are mentors and guides who regularly come visit to your hostel. They guide you in every aspect of it. Not only like you have to just, you know, go there, ring bells, and you know, you don't have to study. Like, you must be amazed knowing there is a form in BASE. And in the form, it is completely clearly written that whenever you come to BASE, there is a specific number of hours that minimum you have to read for those many hours, so that you really could do good in the examinations or in your academics, and you excel nicely. And then when I got shifted to the BASE, then I was introduced to chanting, you know, the mantra meditation, taking the name of the Lord. And it was the most, you know, best part, you may say, which I learned over there. Because earlier, since everyone is having 24 hours, but those 24 hours were completely unmanaged. I didn't know how to, you know, get times for things and manage, you know, to get everything in a right place. But once I started doing this name of the Lord, chanting his name, and then gradually I could see like the time that was getting wasted for no reason was automatically getting cultured, or you may say regulated, just because I had a thing in my mind, I have to take time for everything, all the bad habits which I was having, like roaming and wasting time doing, you know, gossiping of nothing and all, everything was just completely shut. All I was focused on about my life, about my career. My name is Alok Sharma and I am a student at IIT Bhubaneswar. The native place of my stay is Mahu near Indore, and I am currently staying at Godrum Base near IIT. In the Bhagavad Gita, Shri Krishna says, या निशा सर्वभूतानां यस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्चतो मुने। What is night for all the living beings is the time of awakening for the sense control, and what is the awakening for all living beings is the time of night for the introspective sage. In this age of cutthroat competition, therefore it is very important to undergo training to excel in academic and professional life. At the same time,
The human form of life is very rare. The human form of life should be used to inquire about higher questions. Questions like, who am I? Who is God? What is my relationship with God? How can I revive that relationship with God? Here at the Bhaktivedanta Academy for Culture and Education, we are given the training to excel in material life, in spiritual life, in academic life, and in professional life. So this is a great opportunity for all the students. Please come and join. Hare Krishna. हरे कृष्णा, मेरा नाम संग्राम है और मैं सीटी कॉलेज में जब सेकेंड ईयर में आया मैं मैकेनिकल ब्रांच के हूँ और मैं 2017-21 बैच से पास आउट हुआ हूँ। और जब मैं सेकेंड ईयर में था जनरल कॉलेज में, तो मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया, भक्ति में आया। तो मैं ये डिटर्मिनेशन था मेरा कि मैं अच्छा एसोसिएशन मुझे मिला जो बेस लाइफ में, तो मुझे मैं बेस शिफ्ट कर लिया, ये मन बनाया। तो बेस में ये मिला हमको, जैसे वहाँ पे आपको गुड एसोसिएशन मिलेगा और वहाँ पे आपको हाइजीनिक एनवायरनमेंट है, प्रसादम का सब कुछ सुविधा है, बहुत अच्छा जो फूड होता है वो बहुत ट्रांसजेंडल होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो वो हमको ज़्यादा अट्रैक्ट किया था और हमको एक स्पिरिचुअल ओवरऑल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिलेगा बेस में। और बेस लाइफ एक अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट भी होता है और एक मेटेरियल स्टडीज़ में भी हेल्प होता है वो ना। तो मेटेरियल स्टडीज़ में जो है, हम जो स्पिरिचुअली कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, तो मेटेरियली जो हम पढ़ाई करते हैं उससे और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है और एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप हो जाता है। इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग, मैं पर्सनल लेवल में मेरा बात कर रहा हूँ, तो पर्सनली मैं बहुत स्ट्रांग बन गया। और धीरे धीरे जो है, और एक लाइफ कोच आपको मिलेगा बेस में, एक पर्सनल मेंटर काउंसलर जिसको बोलते हैं, वो आपको हर चीज़ में एवरी स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ में आपको हेल्प करेंगे, आपको और प्रोवाइड करेंगे एसोसिएशन, जैसे एक ओवरऑल स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। तो और बेस में सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम चैंटिंग कर रहे थे और चैंटिंग के बहुत सारे जो इफेक्ट है हमारे लाइफ में आए हैं, जैसे हम पहले बहुत क्रोध कर रहे थे और धीरे धीरे हम बहुत शांत हो गए और बहुत अच्छा बिहेवियर हुआ सबके प्रति। और सेकंड चीज़ है कि अगर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होता है चैंटिंग करने से और बाकी एसोसिएशन से। और थर्ड चीज़ ये है कि जैसे हम जैसे विल पावर बढ़ता है, और मैं इंट्रोवर्ट था, धीरे 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 मैं सोशलाइज हुआ, ये सब इफेक्ट रहता है बेस्ट लाइफ में। दिस इज़ वेरी गुड लाइफ एंड दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डेवलप योर सेल्फ एंड यू विल बी ए बेटर ह्यूमन। हरे कृष्ण। सो माय नेम इज़ पार्थसारथी कुंडा एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पंचायत राज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। My BTEC is from NIT Rourkela and I've done my MTech from IIT Bhubaneswar, and during those 2 years of span I've stayed in this ISKCON youth hostel, particularly those 2 years which we call as BS. And my experience of those 2 years is very memorable. Particularly, the kind of environment you get is very conducive for your studies and building a good career over. Particularly, they take care of three aspects of your life, that is the intelligent quotient, emotional quotient, and the spiritual quotient. All three they take into account. There are good mentors, guides, who actually give you lots of good value education, that is taking into account the spiritual quotient. And there is a very nice bonding among the students who used to stay there, so you'll feel like being in your own home only, so that homely feeling comes, emotional quotient. And yes, intelligent quotient, that is taking care of our studies
that they take into account very seriously. Particularly, we have study marathons and there are study quotas we have to fill, and per week this many hours everyone should read. So in that way, you will be scoring very nice in your academics. So all these things you will be finding in almost all the ISKCON hostels. And next, coming to particularly how chanting helped me. Yes, actually, first thing it does is it cools down your mind and makes you more steady, and you'll be more focused in whatever activities you do. So I remember generally before I used to take a lot of time for comprehending some things, but over a period of time you'll be more focused. So your time for study also reduces, means you study very less but you remember a lot and comprehend more. हरे कृष्ण, तो मैं OUTR में CET में सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मैंने जो है भगवद गीता पढ़ना 2019 में शुरू किया था, भगवद गीता एज इट इज़। उसके बाद फिर मैं भगवद गीता के अध्ययन के माध्यम से मुझे ये पता चला कि जो भक्ति मार्ग है वो श्रेष्ठ मार्ग है। तो इस वजह से फिर मैंने भगवद गीता को और अच्छे से अध्ययन करना शुरू किया। और फिर जब मैं कॉलेज में आया तब मैं CET बेस से भी थोड़ा सा उनके संपर्क में आया, और फिर मुझे ये पता चला कि वो लोग मतलब भगवद गीता पे कोर्सेज करवाते हैं और फिर लेक्चर्स देते हैं, और फिर वो लोग मतलब सबको बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं। बेस में बहुत सारे CET के मतलब OUTR के बच्चे रहते हैं, और फिर वो साथ में मिलके पढ़ते हैं, भजन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। तो इस वजह से फिर मैं भी मतलब वहाँ पे कभी कभार जाता हूँ। वहाँ पे अच्छे पढ़ाई के फैसिलिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छा वहाँ पे रीडिंग रूम भी है, और आप सब भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं भी पिछले कुछ महीनों से वहाँ पे मतलब मैं घर पे भी थोड़ा सा माला करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, माला करता हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो मैं भी सेकंड ईयर में हूँ और भक्ति से जुड़ने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब भी जुड़ सकते हैं और आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। विकास बारी फ्रॉम राउरकेला। Now I am staying in Bhubaneswar, Godrum Base, Jatni. Now I am pursuing my BTech in Computer Science from Centurion University, 6M. From last 1 year, I am staying in this base. In Bhagavad Gita, 6.17 sloka, Krishna says, "Yoga can remove many pains and suffering from life. And yoga life start with good food habits and good relaxation, right thinking, right decision. So these are the part of starting our good life. So in this way we are getting all from base. So base means Bhakti Vedanta academic culture and education. So here we are getting both Bhakti as well as our academic study also. Here we are attending Bhagavad Gita class, Mangal Aarti and all, and we are doing all these things in within a time, and we are getting lot of benefits from here, like we are getting good foods and we are getting many times for study, and we are
we can manage our time and all. So this place is very good for student and everyone. So we need to stay in base and we can start our good life. Hare Krishna. So Hare Krishna everyone, I am Ritesh Kumar, currently pursuing my BTech degree from Government Engineering College Begusarai, specialization in electrical and electronics engineering. तो मैं इस्कॉन से 2018 ईस्वी में जुड़ा हूँ और उसके बाद ये मुझे चैंटिंग करने का एक सोर्स मिला। देखिए, जैसे कहा जाता है कि हम अपने तन को तो साफ कर सकते हैं साबुन से, सिंपल से, बट हम अपने मन को साफ कैसे करें? तो एकमात्र उसका सल्यूशन है, वो है चैंटिंग। तो जब से मैंने, अब ये आजकल जो टॉपिक है कि बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, तो चैंटिंग करने के जो महत्व हैं वो मैं बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट वाइज करके। तो मेरे फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने चैंटिंग करना स्टार्ट किया है तो मेरे अंदर का जो बैड हैबिट था वो दूर हो गया है। बैड हैबिट, मैं बहुत ज़्यादा गलत कामें करता था पहले, है ना? तो जब से मैंने चैंटिंग स्टार्ट किया तो वो बैड हैबिट ख़त्म हो गया है, इविल थॉट ख़त्म हो गया है, निगेटिव इमोशंस भी ख़त्म हो रहे हैं। तो उसके बाद मैं सेकेंड पॉइंट बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में हमेशा स्ट्रेस रहता था पहले, एंग्जाइटी रहती थी, तो वो सारे चैंटिंग करने से अब मुझे रिलीफ मिलता है। अब मेरे मन में किसी प्रकार का ज़्यादा भौतिक चीज़ों के प्रति एंग्जाइटी नहीं रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हुआ कि अब मैं हमेशा आनंद की भावना, मतलब मेरे मन में हमेशा आनंद की भावनाएँ रहती हैं। पहले मैं सोचता रहता था कि मतलब भौतिकवादी चीज़ों के प्रति मेरा ज़्यादा लगाव था पहले, लेकिन ये चैंटिंग करने से अब हमेशा हमारे मन में अब किसी चीज़ का चिंता नहीं रहता है, तो मेरे अंदर एक आनंद की भावनाएं मतलब रहती हैं, मन में हमेशा एक खुशी रहता है। नहीं, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि रिलीफ फ्रॉम ऑल मिजरीज। पहले हम किसी चीज़ से दुखी रहते थे कि अरे ये मुझे ये नहीं मिला, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे पास नहीं है, लेकिन जब से चैंटिंग किया तो अब समझ में आया कि नहीं, ये चीज़ हमको ज़रूरी नहीं है, हमको ज़रूरी है भगवान का नाम, भगवान का जो धाम, वो हमको ज़रूरी है। तो उसमें मैं फिर धीरे धीरे जो जब चैंटिंग करने लगा तो भगवान लगा कि नहीं, मैं कुछ भगवान के शरण में जाने का मतलब कोशिश कर रहा हूँ, है ना? तो ये हुआ। उसके बाद हमारे अंदर जो अब सबसे बढ़िया प्यूरीफाई योर सेल्फ करने का तरीका है, वो है चैंटिंग। अगर आप चाहते हैं खुद को प्यूरीफाई करना, खुद को शुद्ध करना, तो वो है चैंटिंग। चैंटिंग की मदद से आप अपने आप को प्यूरीफाई कर सकते हैं। केवल ये एक हरे कृष्णा मंत्रा ही है, ये ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमको अपने अंदर की हायर एनर्जी मिल सकती है। I am Pramod Kumar from Central University. Now I am doing diploma in civil engineering. मैं आप सभी को अपनी वास्तविक जीवन की एक टर्निंग पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि जब मैं अपने गांव में था बिहार, तभी मैं अपना सपना सोच लिया था। तो फिर हमने आईएससी करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया इस पर्पस से कि मैं कॉलेज जाकर अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर लूँगा। फिर 2 साल गुजर गए, कोई चेंजेस नहीं। तो फिर हमने फाइनल ईयर में एक दोस्त ढूँढा जो कि वो पहले से स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हुए थे। फिर वहीं से मेरा लाइफ चेंजिंग होना स्टार्ट हो गया। मैंने स्पिरिचुअलिटी में आकर हैप्पीनेस को जाना, मैं खुद को जाना, माइंड को जाना, इंटेलिजेंस को जाना, इस संसार को जाना। अब यहाँ से हमें इतना विश्वास है, इतना क्षमता मिल जाता है कि अब मुझे यहाँ से कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी उपलब्धि हासिल करना हो, यहाँ से मुझे सब इजी लगता है।
इजी हो गया, तो मैं अब कुछ भी यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। ये पावर है हमारे स्पिरिचुअलिटी में। ओके, थैंक यू सो मच। जो अपने लाइफ को जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, मैं उससे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार भागवत गीता को एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में जरूर समझे, जरूर जाने। हरे कृष्णा, आई एम संबित कुमार साहू फ्रॉम कटक ओडिशा, करेंटली पर्सुइंग माय बीटेक डिग्री फ्रॉम आईटीईआर सोआ यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड हैव गॉट प्लेस्ड इन टाटा पावर TPWODL। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि होए। आई केम इन कॉन्टैक्ट विद इस्कॉन फ्रॉम January 2020 एंड कंटिन्यू टू स्टे इन बेस फ्रॉम February 2021। बेस मीन्स भक्ति वेदांत अकेडमी फॉर कल्चर एंड एजुकेशन। इन बेस द बेस्ट थिंग विच आई लाइक इज द स्टडी एनवायरमेंट इन द बेस along with the morning program, regular morning program which begins from early morning chanting, japa session along with kirtan, dancing and mangala arti followed by a class based on Bhagavad Gita, practical utilization of Bhagavad Gita, how to utilize, how to understand Bhagavad Gita practically and utilize it practically in our day-to-day life to get rid of anxiety, tension, mind control techniques, time management, etc. followed by breakfast. In chanting, we chant Hare Krishna Maha Mantra, that is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In the chanting, student, according to their time, they chant around 2 to 3 or prescribed rounds, according to time which they have. From that chanting, I realized that whatever situation, whatever difficult situation we may face in our life, we can cope up with that. That gives power, strength, mental power. It gives everything. Hare Krishna. My name is Padmaksha. और मैं हाईटेक मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी का फाइनल स्टूडेंट हूँ। मैं पहली बार 2019 में बेस में रहने के लिए गया, और बेस में रहने का ये फ़ायदा है कि टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब बेस में रहते हैं सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो जल्दी उठ जाने से क्या होता है कि हमारा जो मतलब समय बहुत बच जाता है, काम जल्दी जल्दी हो जाता है, फ्रेशनेस फील करते हैं। और दूसरी बात कि सुबह जल्दी उठने के बाद बेस में नहा करके जो मॉर्निंग प्रेयर अटेंड करते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है, और उसके बाद हाइजेनिक फूड और उसके बाद पढ़ाई लिखाई ये सारा करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि ऐसा बोला जाता है कि आवर डिससेटिस्फेक्शन मीन्स वी आर मिसिंग द रिसीव लव, शेयर द लव एंड गिव लव। तो बेस में रहने से मतलब लव केयर हमको प्रॉपर मिलता है, और हम ये भी सीखते हैं कि कैसा लव केयर करना भी है, देना है, ये सारे चीज़। और उसके बाद जो सबसे अच्छा जो है कि मॉर्निंग चैंटिंग सेशन, जो हम सभी मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करते हैं, उससे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन वो हमारे निजी जीवन में भी परिवर्तन लाती है और हमारे सराउंडिंग में भी। तो ये बहुत सारा लाभ होते हैं बेस में रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रकाश महतो है। मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में इस्कॉन भुवनेश्वर से कनेक्ट हुआ। उसके बाद अभी फ़िलहाल तो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। और उसके बाद मैं मतलब रहने के लिए एक्चुअली मैं अपने पहले अपने दोस्तों के साथ रहता था, फिर उसके बाद मैंने बेस में शिफ्ट किया। तो जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था अपने हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल नहीं मतलब एक पीजी टाइप से ऐसे हम लोग रूम में रहते थे,
तो वहाँ सब कुछ ठीक था, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम जैसे मैं जब जैसे इस्कॉन भुवनेश्वर से कनेक्ट हुआ तो मुझे मतलब भक्ति की मतलब इम्पोर्टेंस पता चली, तो मैं उसके बाद भक्ति करने लगा। जैसे कि उसके बाद मैंने चैंटिंग शुरू की, तो चैंटिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि मैं जब अपने दोस्तों से रहता था तो चैंटिंग वेंटिंग करने में मतलब उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था। मतलब कर रहा था, एक दो राउंड कर रहा था, और दोस्तों के साथ रहता था तो क्या होता था कि वहाँ उनके सामने भी मतलब चैंटिंग करने में थोड़ा अजीब लगता था। तो और क्या था कि मतलब वहाँ क्या था कि दोस्तों के साथ थोड़ा सा अलग ही माहौल रहता था, तो वहाँ पर मैं अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था। और वहाँ जब मैं बेस में शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ कि मैं दो माला का पहले करता था, जबकि जब मैं बेस में शिफ्ट हुआ तो उसके बाद मैंने 16 माला करना शुरू कर दिया। मतलब उसके बाद कंटिन्यूसली मैंने 16 माला किया, और अभी फ़िलहाल अभी तक भी मैं 16 माला ही कर रहा हूँ। मतलब अच्छे से अभी मेरे प्रोग्रेस हो रही है अच्छे से। और एक मतलब चीज़ है कि जैसे मैं पहले जब अपने दोस्तों से रहता था तो क्या है कि हम लोग मतलब ऑटोमेटिकली मतलब हम लोग का एक है कि थोड़ा लेजीनेस रहता ही है कि हम लोग जब हमेशा मतलब सोए रहेंगे, मतलब बेड में पड़े पड़े फिर मतलब मोबाइल चलाते रहना, तो ये एक मतलब सबका एक आदत होती ही है। तो मोबाइल में अननेसेसरी मेरा वो टाइम बहुत ज़्यादा था, जो कि वो मेरा बेस में आके सुधर गया। मतलब बेस में आने के बाद मैंने मतलब चीज़ें मेरे धीरे धीरे सुधरी इस तरफ से बेस में आके। और बेस का एक और एक अच्छा चीज़ है कि जैसे मतलब प्रसाद मिलता है। मतलब ये भी एक मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी पहले कि मैं जब अपने दोस्तों के साथ रहता था बाहर में तो मुझे खाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। एक तो पहले हम लोग खुद से बनाते थे तो और उसे बनाने मतलब बना के खाने खाना बना उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, और बाहर का भी खाने उतना अच्छे से नहीं बनते, मतलब मिलता नहीं था कि उसको खाने लगा उसे मेरे को पसंद नहीं थे। तो जब बेस में आके मुझे मतलब प्रसाद मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वो टेस्टी लगता था और ठीक ठाक था, तो मेरी ये प्रॉब्लम भी मेरे सुधर गई। तो इस तरह से मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मतलब बेस में आने के बाद मेरी मतलब मुझे बहुत हेल्प हुआ। और एक चीज़ है कि हाँ, बेस में हम लोग मतलब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ के फ्रेश अप होके मतलब सब कुछ फ्रेश होने के बाद फिर मंगल आरती। हरे कृष्णा, आई एम सुनील कुमार। पहले मैं इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं इस्कॉन से 2020 में ऐड हुआ और मुझे हरिनाम क्या होता है ये भी नहीं पता था, महामंत्र का से नाम नहीं पता था। बस पहले मैं अपने ही घरों में फिजूल का कार्य करता और संसार के ही कार्यों में लगा रहता था। पहले मेरा माइंड कंट्रोल नहीं था, मुझे थोड़ी थोड़ी बातों पे मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था, किसी न किसी से झगड़ा हो जाता था। लेकिन जब से मैं चैंटिंग करने लगा, जब मैं सुबह में चैंटिंग करता हूँ तो दिन सारा दिन का जो कार्य रहता है वो करते हुए भी मेरा शाम को बहुत समय बच जाता है, जिसमें मैं और चैंटिंग करता हूँ। और जब मैं संसार के कार्यों में आसक्त रहता था तब मुझे नहीं पता चलता था कि कब समय बीत गया, लेकिन जब से मैं चैंटिंग करता हूँ तब से मैं मेरे अंदर कब बदलाव आया मुझे खुद नहीं पता चला। इस महामंत्र में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप इस संसार के जीवों का बस केवल इस महामंत्र से ही कल्याण हो सकता है। वरना आप विचार करो, आज से 50 वर्ष पूर्व 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो वहाँ के जो लोग थे वो सारे लोग शराब ड्रग आदि के नशे में झूम रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क शहर में जाकर एक बगीचे में पेड़ के नीचे बैठकर हरिनाम का कीर्तन करने लगे। जो वहाँ के हिप्पीज लोग थे जो शराब आदि नशे में झूमते थे, प्रभुपाद जी ने उसे उन लोगों को हरिनाम के नशे में झूमा दिया। आज पूरी दुनिया हरिनाम के नशे में झूम रही है, केवल हरिनाम। आइए सब हम भी एक बार मिलकर हरिनाम महामंत्र को गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम।